अब लगी रे फोन सूख गया अब और शाम की लगी हुई है बताओ लगी तो लगी क्या करूं लगी तो बता दो देव है अब ये क्या तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड आई बज रहे हैं शाम के 4:30 बजे जस्ट मैं कॉलेज से आया हूँ और कॉलेज में अब टाइम पास होना स्टार्ट हो गया मतलब टाइम पास अब बड़ा ही सही होने लगी है और टाइम निकल जाता है ऐसे ही सुबह सुबह जाके और अभी मेरे लिए लंच हाँ शाम का खाना खाना नहीं आया मम्मी ने खाना खाई टी वी देखते हुए अभी अब सुने थे आरती और नितिन तो भी गया ट्यूशन गया ना हाँ लेकिन ट्यूशन गया पापा देखेंगे नहीं वीडियो क्योंकि सुबह बनाता नहीं वीडियो अब और पापा रात को 11 बजे आते जब तक मैं काम करके बैठ जाता हूँ अपना वीडियो वगैरह खत्म कर दें तो तेरा खाना खाते हैं तो फाइनली नितिन आ चुका है बहुत लेट आया तो पैसे की लेट हो जा दूं आ यार आज क्या बन आज बनने हैं आलू पराठे है ना आलू पराठे बनने आज बहुत दिन बाद आलू पराठे बन रहे अभी पूछते हैं जहाँ से आया मुझे भी जाना नंदराम उस काम से पर्सनल काम से जस्ट हमारे बन जाए सारे फोड़ लो आधे फोड़ लो आधे फोड़ लो हाँ अभी अच्छी देना अभी जा रहा हो जाएगी अच्छी ₹5 खर्चा करूँगा बस पर पेपर निकलवाना तरी वाली कैंटीन में पेटी खाई और स्टिंग मैंने बुलाई एक दूसरे दोस्त ने हिलाई दिखाया जा रहा है तो मैंने फिर कैप्सी बुलाई ना इतने पैसे तो रहने लगा हलवा क्या वो लेड़ क्यों आया था तुम बता दो हैं मैच या मैथ ही बोलते क्या जाने जा रहे वहाँ पे मैप लेने नक्शा मैथ मैं बोल रहा हूँ ये सारे आप ही बुलाओ तो जा रहा है मुझे भी दियो मैं भी जरा हो गया हूँ वहाँ से मुझे इम्पोर्टेंट काम है बस 1 hour later सुबह अभी 10 बज चुके हैं बट अभी मैं खाना खा दिया हमने मैं पढ़ रहा था यहाँ पे लैपटॉप यहाँ पड़ा है चलते हैं बाहर देखे क्या है मम्मी और नितिन पापा तो ड्यूटी गए अभी पापा 11 बजे आएंगे तो अभी ये पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है काम रहा है अब किस सब्जेक्ट कर रहा है SST तो अभी अभी जस्ट न्यूज़ मिली हमारे घर के साइड में किसी का फ़ोन चोरी हो गया मतलब ये रोड पर फ़ोन ले चल रहा था मतलब पूरी बात नहीं बताएंगे मम्मी मुझे पूरी कहानी पता होती है घूमती हैं तो सही बात है मम्मी जो ना पता हो तो किसे पता होगा हाँ तो बताओ कैसे कैसे हुआ क्या कैसे हुई पता है नहीं आज अब बताया कुछ नहीं है मुझे मोबाइल पर बोला जाता हुआ ऐसा हो कुछ कि कोई लड़का था लड़के कोने पर खड़ा था वहाँ पे वो फोन में बात करता कोई दो जने बाइक पर उसे फोन लेकर बात की बात करता हुआ जा रहा था अब उस साइड से बाइक वाले मंदिर कर लेगा बाइक है धड़ाक से फोन छीनेगा और भाग जाएगा वो केस कर देगा हां बस इसी ने मुझे फायदा उठा लिया होगा कि फोन छीन लेते तो बेचारा और उधर उधर जाएगा यहाँ पे क्या क्या भी किस्मत में मेरे पास तो एक ही फोन है ये चला जाएगा वगैरह क्या होगा तो ये इसकी वजह से ही अपनी जिंदगी एक तरह से हाँ रोड बात करता तो लेट लेना हाँ रोड पे बनाता ना वीडियो घर पर अपने घर आते बनाया जाऊँगा मैं शाम के टाइम भी जब कॉलेज से आऊँगा तभी बनाता हूँ तो क्योंकि आज का तीसरा दिन सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी तो फुल डे बना जाऊँगा उस दिन तो संडे छुट्टी रहेगी हाँ सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा मेरी ना दो दिन छुट्टी अपना हाफ डे ना होता हाफ डे हाफ डे ना होता अभी पहले वैक्सीन ले आई रहा कैसे चल रहा है ऐसे हाफ डे ना होता हाफ डे ना होता सही है बस शनिवार में और संडे में छुट्टी छुट्टी रहे हाँ संडे संडे में छुट्टी त्योहारों की हैं त्योहारों की बहती होगी और लंच रहता है 50 मिनट लंच रहता है 1 घंटे का ही है हाँ 1 घंटे और मालूम पड़ जाए ना सब में पार हो गया कैसे क्योंकि आज तो वैसे थोड़ा देर तक पढ़ाया हाँ फिर खाना खा मैं फिर कैंटीन चले जाना है रोटी का खाऊं अंदर ही अपने वहीं पे लंच में क्लास में खा लें रोटी और बच्चे लाओ फिर मैं लाऊँ एक मेरे साथ में लड़का रहता है अभिषेक वो लाता हूँ एक आगे बैठा वो भी मरता खाने लगा तो और भाई मुझे आठ खा लिया वो तो सारे मिक्स वो भी खा लेते कोई सर मैं तो मैं और मेरे साथ दोस्त वो मेरे में खा रहे हैं मुझसे पूछो मैं कैसे खाऊं मैं बोलूंगा वो दूसरे में खा रहे हैं ऐसा खा रहे हैं अच्छा फिर दो एक में दो एक टोटल कितने जने खाओ बैठ के हम अब पहले हम सब साथ बैठे हैं पहले हम सब साथ बैठे
एक दिन बैठ रहे, दूसरे दिन बैठते हटा दिया जाए पीछे बैठो, फिर हम चारों में सीट चल गई, वहाँ चार सीट है बस, वहाँ चारों बैठे हैं तीसरे नंबर पर, हम चारों बैठे हैं। मेरे तो टेंथ क्लास के भी आमिर खान, टेंथ क्लास के हमारे क्लास में वैसे ही लड़के लोग हो पता ना, सारे पढ़ने के बाद फिर मैं टॉपर में आऊँ। अच्छा सही, तो सब माँ पैसे खर्च कर रहे हैं, कोई जो थोड़ी कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को गर्विंग करो कॉलेज स्कूल स्कूल से ऐसे होता है, मतलब लिटरली मैंने स्कूल में इतना ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पर जितना कॉलेज में दे रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज में रट्टा नहीं चलता, कॉलेज में तो अगर रट्टा मारने भरे जाए तो पूरी किताब रट्टा मारनी पड़ेगी, ऐसा होता है। इसमें तो समझ नहीं आता सिस्टम पूरा, पर कॉलेज मेरा बात यह बहुत अच्छा है, अंदर से भी बिल्कुल पढ़ने में भी सही है, और ये हिसाब से तो सही है। और मुझे समझ ना आती उन पे स्कूटी है खुद की, तब भी टेम्पो से जाना है, रोड चलता है कितना, क्या फायदा स्कूटी लेने का, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो जाए तो फिर रोड चलता है इतना फायदा ना, दीदी मेन रोड है ये, एक्सपीरियंस होना चाहिए चलाने वाले चाहिए, बहुत रोड चलता है वो, हमें दो एक बार तो 40 रुपये लग रहे हैं, 40 30 रुपये लगते हैं रोज दीदी, 15 यहाँ से 15 यहाँ से। अब वाईफाई रिचार्ज खत्म वाला हो तो अच्छा, मेरे पास पैसा आया तो वाईफाई रिचार्ज खत्म हो जाता है, क्यों जरूरत ना वाई फाई अगर वीडियो में नेट देना पड़ा, नेट से पढ़ देना यूट्यूब से, क्या एक ही एक जी में क्या पढ़ा जाएगा भाई, है मेरे पास रिचार्ज से, तो है पैसे रिचार्ज तो हो ही जाएगा, हाँ जब बंद जब तक करूँगा, पता नहीं वाई फाई चलते थे रिचार्ज सब कर रहा पिछले महीने 19 को करवाया, हाँ यार तो मुझे पता है नवरात्र आ रहे थे हमारे कमरे में ना थोड़ी सीलन आनी पड़ी, क्योंकि देखो यहाँ भी पेंट नहीं है, ये पुराना पेंट है जो हमने अपने हाथों से ब्राउन ब्राउन सा, वीडियो आया था इस साल स्टार्ट किया, अपने हाथ से होना पाई नहीं कर लेते हैं, हाँ अब सफ़ेद तो हो जाएगी, अरे फिर भी घर बड़ा है, पहले तो दो चार दीवार ही बस, दो चार दीवार तो हो जाता है, ऐसा ही होता अभी भी पेंटर भी वैसा है ना, टूटी वाला है ना, ऊपर वाला कमरा हो जाएगा जो ऊपर वाला है, शीशे वाला, पहले मैं सोचता ऊपर कमरा रहना स्टार्ट करता, पर फिर अकेले मन लगता ही ना, अगर अंदर टीवी चल रहा हो तो अभी अंदर ही बैठते हो, ये अंदर ही मन लग जाए उसमें कमरे में, ये शुरुआत से उसमें आए कमरे के अंदर, ये सारा सामान ऊपर चला ऊपर ही मन लगा, ऊपर कमरे में तो बस मैं जाऊँ, अपना जहाँ सामान होगा वहाँ मन लगेगा, वहाँ बस मैं जाऊँ वर्कआउट करने, बस प्रैक्टिस में जाऊँ थोड़ी देर, जहाँ थोड़ी देर दो तीन घंटे जाऊँ, स्पीकर ना जा रहा, सुबह सुबह जा रहा हूँ 5-6 बजे, पहले मैं भी जाता था बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी मैंने, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हमारे कॉलेज में भी बनना है क्रिकेट क्लब वगैरह, स्पोर्ट्स तो रहना है कॉलेज में, पंखे की आवाज़ आ रही होगी इस टाइम, यूपी स्टेट में सुना है मेरा फुल मैच को हुए, मेरे ख्याल से 50-60 तो हैं क्या ज़्यादा ही, 50 तो आप तो मैडम में मैडम आवे हैं तीन, और तीन सर आवे हैं, एक सब्जेक्ट हो रहा है सब पढ़ाए ना, पहले मैंने कौन पढ़ाना आएगा, तो दो तीन टीचर तो उससे पढ़ा खाली, उससे आज तीन जन तीन टीचर ने पढ़ाया उससे, प्रोजेक्टर ना होगा सिनेमा हॉल में, अरे पिक्चर देख के भी आऊँ मैं तो, भरो मोबाइल नई पिक्चर जो आएगी उसका जरूर देखता हूँ, क्या आवाज़ है विक्रम वेदा जो बता रहा है रोशन पिक्चर, सब चलो सब करना चाहिए हर एक काम करो, क्योंकि माइंड फ्रेश करने के लिए अगर ज़्यादा ज़्यादा बहुत पिंपल होते हैं, जब बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ कर रहे हो ना तो रिलैक्स भी होना चाहिए, मूवीज देखो घूमो फिरो, ये वाले से नहीं एंड करते हैं, मैं गेम में चोट पैर पर चोट लगी यार, एक चोट लगी, अभी एक चोट लगी कहां है बेच बेली है, ये बहुत बड़ी चोट लग रही थी यार, दिखाई है दिखाई ना है, पत्थर लगा वहां, ये लोंडा देखो दिखाता नहीं है ये, अरे मैं साइड बैक कर रहा था तब छुप गया, अरे सब बोल रहा है लेकिन ले रहे दिखा रहे सेफ्टी बन जाएगी क्या, अरे मैंने पूछ लिया था इधर
अबे पोछने से ना सच में सेफ्टी बन जाएगी इसमें यार। तो दवाई ना कुछ पाउडर लेके इधर ना पाउडर ला। हाँ यार ये भी अलग सीन है, मतलब अभी बता रहा है जब वो भी इतनी काफी टर्सा लग गया है। पाउडर पता नहीं, शायद पाउडर है जहाँ हमारे पास वरुण धवन वाला पाउडर है, इस पाउडर से पिंपल पे यूज करता हूं। मैं दादी मारी है, मैं सोच रहा हूं आज खाली बैठे हो, चलो छोटी लग रहा है इधर ला इधर आ जा। अब मैं सोच चढ़ना था खाली बैठे हो, चलो रुक ही जाऊंगी वहीं जाके इधर आ इधर आ। चलो भाई पाउडर तो बहुत कैड़ी और लग तो ये देखियो थोड़ी बहुत ज्यादा सी लग गई है, मतलब चोट तो छोटी है बट मेरे पे ना दर्द सहसा ना जाता। खून निकल रहा है इसके, कब लगी रे खून सूख गया वो, और शाम की लगी हुई है बताओ। लगी तो लगी क्या करूं, तो लगी तो बता दो देव है। अब ये क्या क्या बताऊं इसमें चोट लगी। अरे भैया कुछ डाल देते पाउडर वाउडर। अगर मेरी सहेली ने ना बच्चे बच्चों ने रखा मेरी सहेली। अब भैया वो हम गए पीली मट्टी लेने वहाँ पर खेत में। अच्छा मेरी सहेली की उम्र आई। अब भैया चंद्र के खेत के पास लिया वो वहाँ पर गए सांप काट खाया। अब भैया ये खोद रही मट्टी। अब मैं हाथ से नहीं कर रही इसके ताऊ कर रहे तो चंदन को भी इंदिरा में फिर रोना सुनने के वो पढ़े ना, मतलब उसका कोर्स है ये क्या है ना पीटीआई बड़े होने लेवल का पीटीआई का 15 साल की उम्र में उन्होंने आईसीएससी बोर्ड को दिखाया। आज प्रोग्राम रैंप पे था चलो अब ये वाली वीडियो यहीं पे एंड है, क्योंकि अब तो व्लॉग में शाम से ही जा रहा हूं 5 बजे से, तो बाहर का सीन कम देख रहा है पर जाऊंगा तब दिखाऊंगा जरूर। और सैटरडे संडे फुल ब्लॉग में फुल डे व्लॉग आने वाली है, आने वाली है तो ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। चलो कैसा लगा व्लॉग कमेंट में बता देना, चोट लग चुकी है उसको टाइटली एग्जाम तो हमने कोई बात नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 7:30 बजे। गुड नाइट, टाटा बाय।